तो इस प्रकार हम परमात्मा की तलाश करते हैं और भगवान की जब तक हम मर्यादा में रहेंगे तब तक काल का कोई भी दाव नहीं लग पाएगा। हम काल को चांस दे देते हैं मर्यादा भंग करके। मर्यादा भंग करने में कौन कौन से विशेष हैं जो मर्यादा भंग होती है, विशेष नियम कौन कौन से जो आपको लिख कर दिए हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ा है अभिमान अहंकार नहीं आप में होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने बताया है कि मेरी भक्ति तुम्हारे अंदर तब तक रहेगी जब तक तुम ऐसे रहोगे। कैसे? परमेश्वर ने सब खुद बोला है, कबीर कुत्ता हूं गुरुदेव का, कुत्ता हूं दरबार का, मोतिया मेरा नाम और गले प्रेम की रस्सी रसरी जेवड़ी जहां खेचो वहां जाऊं मैं। यानी अपने परमात्मा गुरुदेव में आपका इतना लगाव बने, इतनी श्रद्धा बने और ऐसा भाव बने जैसा मालिक ने बताया कि ऐसा करो कुत्ता तेरे दरबार का। जैसे आप यहां आते हो सत्संग में, यहां अभिमान नहीं करना चाहिए। पुणात्माओं ये बातें हम रोज रोज बताते हैं लेकिन श्रोताओं बदलते रहते हैं, हम फिर रोजाना इन बातों को रिपीट ना कर पाने से तो कुछ एक को ना समझ आती, तो रह रहकर हम बताते रहते हैं और उसको ध्यान दिया करो इन बातों पर। परमात्मा कहते हैं ऐसे रहो यहां पर सच्चे दरबार में, क्योंकि यहां रिहर्सल करनी है हमने भगवान के पास जाने की। अब जब परमात्मा आपके सामने होगा, पहले इस दास के रूप में होगा और वहां आपकी परीक्षा होगी, जो जैसा भी यहां जिसने रिहर्सल में अपने आप को ढाल दिया है, जैसा जिसने मोल्ड किया है उसका वैसा ही स्वभाव होगा जब यहां से जाओगे। तो जहाज में बैठाने से पहले वहां ये दास के रूप में परमात्मा विद्यमान होंगे और आप जी का फिर वहां जैसा भी स्वभाव होगा, जैसा भी आपने यहां बर्ताव किया होगा, जैसे भी अंदर में सोच इस दास के प्रति होगी आपकी, वैसी रहेगी वहां भी। तो वहां तो आपके माथे पे जैसे कंप्यूटर में आ जाएगा ना अपने आप, यहां लिखा पाओगा रिजेक्टेड रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड, बस इतनी बात मिलेगी। तो उस वहां रिजेक्ट होने से पहले हम यहां सुधार करें अपने अंदर। क्या बताते हैं कि जैसे कुत्ता हूं गुरुदेव का और मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहां खेचो आ जाऊं। क्योंकि हे परमात्मा कहते हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जा और हम जैसे तो तुमको बहुत हैं, पर हम तुमसे हमको ना। आपको तो लाखों भक्त आपके हैं हमारे जैसे, लेकिन आप जैसा हमें नहीं और मिल सकता। क्योंकि इस ज्ञान से आप इतने क्लियर हो जाओगे कि इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त आपको संत दिखाई नहीं देगा, और वो होगा इस ज्ञान से प्रमाणों के सामने। फिर क्या बताते हैं कि तो करो तो आऊं बाहुडू। जैसे कुत्ते को की एक भाषा है, तो नो करते ही कुत्ता भाग गया आया करे, पालतू कुत्ता या जैसा भी। और फिर कहते हैं उसको कहना चल दूर दूर वहां बैठ, तो कुत्ते को जैसे बोला करते हैं, कहते फिर दूर दूर करो तो जाऊं और जो रखो तो ही रहूं और जो देवो सो खाऊं। यानी परमात्मा कितना अनमोल उदाहरण में दे रहे हैं, हम इसको कितना ढाल पा रहे हैं आकर। कुत्ता हूं गुरुदेव का और मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहां खेचो वहां जाऊं मैं, जहां तुम जाओगे वहीं वहीं जाना पड़ेगा, और तो करो तो बाज्या आऊं। यानी किसी को बुलाते हैं कि गुरुजी याद कर रहे हैं, कहते दौड़ा आऊं, और कोई जमीनों के जब वहां बाहर बैठ जा भाई तो तुरंत चला जाऊं। कहते तो करो तो बाउडू और दूर दूर करो तो जाऊं और जो रखो तो ही रहूं जो देवस खाऊं। तो एक न्यारी आनंद आएगा आपको जब आप इस देखो अभिमान आप कितना कर लोगे। यदि किसी का नो शरीर का बल है कि मैं बहुत तगड़ा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, इसको ज्ञान से समझा जा सकता है। आज कितना तगड़ा व्यक्ति है, पैरालिसिस हो जाए एक सेकंड में, और पड़ा पड़ा मुंह मगर माखी लकड़न बड़े है, और उठने दोगा भी कोई ना। और मान ले कितना सुंदर शरीर दिखाई देता आपको, इसने थोड़ा सा खुरच कर देख लो, सबका एक जैसा पाओगा, ऊपर चाहे सुंदर है चाहे काला है चाहे गोरा है, अंदर मेटेरियल एक जैसा है, इसमें
जैसे कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, उसकी कितनी दूर तक आंत लकड़ी बिखरी पड़ी होती है और चाम रोड के चिपका हुआ होता, इतना गौसा आपके अपने शरीर का। तो इसमें के अभिमान करें। यदि किसी ने माया का अभिमान है, आपको बता दिया उन माया वाले की दुर्गति हो उम्र है। परमात्मा कहते हैं कबीर काहे गर्वियो काल गह करकेश, और ना जाने कित मारेगा के घर के परदेश। क्या कित मारेगा, कहां जन्मे कहां पाले पोसे, और बहुत लड़ाए लाड, और ना बेरा इस देह के कित खंडेंगे हार्ड। तो पुणात्मा इन बातन याद रखे, हम जीव हैं, हम थोड़ी सी सुविधा या कोई राज्य पद या पोस्ट प्राप्त करके धन प्राप्त करके हम अपने आप को भूल जाते हैं। यहां तो सारी पृथ्वी का राजा है फिर भी वो जीव है, लेकिन वो भूल जाता है, अभिमान आ जाता है। तो अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे रावण के ने भक्ति खूब की, और ऐसी भक्ति रावण जैसी कोई कर नहीं सकता, यहां से काट कर भगवान के निमित कर दिए, जैसा किया वैसा दे दिया, लेकिन उसका अहंकार नहीं गया और वो अहंकार उसको लेकर डूब गया। ऐसे ही भक्ति नाशक है ये अभिमान, ये जीव के आसपास भी नहीं होना चाहिए। यदि आपने सफल होना है, बाकी थरी मौज भाई किसी तरह करो, जैसा करोगे वैसा मिल ही जाएगा। अप्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं, क्योंकि रह रहकर बीच में ये बतानी पड़ जाती है कुछ मर्यादाएं, जिससे आप भ्रमित ना हो जाओ, मार ना खा जाओ। तो इन बातों को बहुत ध्यान से आपने स्वीकार करना है कि न तो यहां सत्संग में आवे, बहुत आधीनी से आवे। जैसे कबीर साहब कहते हैं, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे है एक एक यज्ञ समान, सो सो यज्ञ समान। अब संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जैसे कोई कितना बड़ा सेठ हो और कितनी उच्च पोस्ट हो किसी की, और उसको ये पता लग जा, जैसे अपने फैमिली डॉक्टरों से वो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, तो वो संकेत कर दे कि आप ऑल इंडिया में जाओ और इसका कंप्लीट चेक कराओ, ऐसा एक टेस्ट वहां होगा, हो सकता है आपको कोई और भयंकर बीमारी हो। फिर वो व्यक्ति जब मेडिकल की तरफ चलता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ चलता है, उस समय उसको ना तो अपनी पोस्ट याद रहती, ना वो धन याद रहता जिसके ऊपर फूला फिरे था, उसको अपनी जान दिखाई देती। और वहां जाता है डॉक्टर के मुंह की तरफ देखता रहता है, ये टेस्ट रिपोर्ट देख के बतावेगा, और जहां कहता है यहां लेट जाओ तुरंत लेट जाता है, कमीज निकाल दे तुरंत निकाल देता है, जाओ वहां खड़े हो ले जाओ ये पर्ची, वहां टेस्ट करा के तुरंत चल पड़ता है। तो ऐसे हमने यहां रहना इस परमात्मा के मेडिकल में। और आपके बहुत दीर्घ रोग है, वो दीर्घ रोग कौन सा है, जन्म और मृत्यु का, और वो ट्रीटमेंट आपका यहां चल रहा है। इस ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा बाधक ये अहंकार है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे तुम इस प्रकार अपने गुरुदेव के पास जाओगे, संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, तो उस स्थिति में यहां आते हो तो एक कदम का पल आपको एक यज्ञ के तुल मिलता है। तो हमने ये सारा ही लाभ उठाना है। हम युगों युगों से भटक रहे हैं, बहुत हम निर्धन हो गए हैं, तो हमने सब प्रकार के इस धन को इकट्ठा करना है। ये सोच लिया हम इतने दीर्घ रोगी हैं, हमने ग्लूकोज भी चढ़ानी चढ़वानी पड़ेंगी और सब प्रकार के कैप्सूल भी खाने पड़ेंगे, तब हम स्वस्थ होंगे, अर्थात हमारी जन्म मृत्यु का ये रोग इस ट्रीटमेंट से कटेगा, और इसके कटे बिना हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।